नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल दे में। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ फिर हाजिर हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अभी जो नई अपडेट है मध्य प्रदेश की, वो ये है कि अभी तक सरकार की ओर से कोई ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है, ना कोई जिले की लिस्ट जारी हुई है, ना फसल बीमा में जो लोग लाभान्वित हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है। अगर इस तरीके की कोई भी अपडेट आती है तो आपको जल्द सूचित कर दिया जाएगा। इस तरीके की ना तो बीमा कंपनी की ओर से कोई आंसर आया है और ना प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री ना कृषि मंत्री की तरफ से इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट आया है। अगर किस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट आता है या कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित मिलती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से जल्द दे दीजिए। अपडेट के साथ साथ आपको यह भी बताने वाले कि पीएम सम्मान निधि योजना की जो राशि ट्रांसफ़र हुई है उसमें जो किसानों के सम्मान निधि का पैसा अभी वेटिंग फॉर अप्रूवल दिखा रहा है एप्स के माध्यम से, वो आप किस तरीके से चेक करते हैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, तो आप चैनल पेज पे जाके ये जानकारी देख सकते हैं कि किस तरीके से आप पीएम सम्मान निधि की योजना की राशि किस तरीके से चेक कर सकते हैं ऐप्स के माध्यम से। अगर कुछ किसानों की ये है कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से उनका अभी क्लियर नहीं हो पाया है पेमेंट, तो आप किसान भाइयों आप अपना ऐप्स में जाके जानकारी पूरा फिल कर सकते हैं, इसमें आपकी जल्द से जल्द वो सम्मान निधि की राशि आ जाएगी। पीएम कृषि कल्याण योजना सीएम कल्याण योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 4000 रुपये सालाना दिए जाते हैं उसकी राशि भी आपके साथ में बीच बीच में ट्रांसफ़र की जाती है, तो उसकी जानकारी आप वहां से ठीक कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो इस तरीके का वो प्रॉब्लम आती है, नहीं तो बाकी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो 1 सितंबर से पहले पहले आपके पीएम सम्मान निधि की राशि आपके खाते में आ जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें। नमस्कार।